ये लोग रास्ते पकड़ के रोड पकड़ के श्रीमान आ रहे थे। मतलब केसव माल है, बारी केसव है, अब दो तीन महीने काज करता है तो वहाँ का खाना माना नहीं मिलता है। से पूरा कांकरल में काम करेगा, दो महीना थे के खाना नहीं खाएगा, काम बंद हो गया, निकल गए मैंने मोटा मोटी दो दिन थे कि खाना ना पाए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। लॉकडाउन की स्थिति है अब तक जमुई, लॉकडाउन में अब तक जमुई सुरक्षित है और बगल के जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क मुंगेर, उसके बाद नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, अब तो शेखपुरा में भी केस आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी जिला जमुई के अगल बगल अब ऐसा नहीं रहा जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव वायरस नहीं है। हर जगह केसेस आ चुके हैं, अब इनके बीच में जमुई ही अब बचा हुआ है जहां पर कि वायरस नहीं है। अभी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, हम कचहरी चौक पर हैं, जमुई के कचहरी चौक पर हैं, जहाँ पर अभी एक घंटे पहले शेखपुरा से मजदूरों का एक झुंड, ग्रुप आप कह सकते हैं, 9-10 लोगों का, 8-9 लोगों का ग्रुप है जो साइकिल से सुबह 3 बजे शेखपुरा से चला है। वहां से ये मजदूर हैं, परेशानी हो गई, खाने पीने की दिक्कत हो गई तो साइकिल से वहां से चले हैं और वहां से चलते चलते अभी 1 घंटे भर पहले ये जमुई पहुँचे हैं। जमुई में स्थिति यह है कि जमुई में चौराहे पर इन्हें जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं उन लोगों ने इन्हें रोक तो ज़रूर लिया है और उसके बाद खबर कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग को खबर की गई है, प्रशासन को खबर की गई है कि आकर के इनका जांच करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्हें क्वारंटाइन में रखना है या क्या करना है वो तो जिला प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये लोग भूखे प्यासे घंटे भर से ज़्यादा हो गए यहाँ पर बैठे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं, इनकी स्थिति यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, आपको इधर दिखा दें, ये साइकिल से आ रहे हैं, पूरा साइकिल है, सामान इन लोगों का साइकिल में पूरा सामान इन लोगों का लगा है और यहाँ से इनको पाकुड़ जाना है। पाकुड़ झारखंड का पाकुड़, आपको बता दें कि जमुई से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है ये पाकुड़ और वहाँ इन लोगों को जाना है। स्थिति इन लोगों को विकट है, भूख से प्यास से बिलबिला रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिक्कत में हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे और देखते हैं कि स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मतलब केशव माल है, बारी केशव है, अब 2-3 महीने काज करता है तो वहाँ का खाना माना नहीं मिलता है। कहाँ से आप, कहाँ से आ रहे हैं? कौन सी काज करते हैं? शेखपुरा तक काज करता है, शेखपुरा तक काज करता है, खाना पीना नहीं मिलता है। गाड़ी गिराम से दिए छो वही कटा खेल छी रख के आज के कुछ खबर नहीं हमारा 3-4 समय बैठा छी साइकिल नहीं। अभी कितना दूर देर से है यहां पर? दूर है, पार हो जाएगा। अभी कितना देर हुआ यहां पर? 3 महीना के दो। आपका नाम क्या है? जराहिम माल। हां, जराहिम माल। अच्छा, तो आप कहां जा रहे हैं? शेखपुरा कांकरल में काम करेगा, 2 महीना थे के खाना नहीं खाएगा, काम बंद हो गया। तो लॉकडाउन में है तो रहना है घर में ना? तो घर में जाएगा तो वही गांव साइकिल देगा, सीधा घर चले जाएगा। अच्छा, देखिए अब आगे इन लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? पाकुड़ जाएगा। पाकुड़ जाना है? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? शेखपुरा। तो लॉकडाउन है तो बंद किया हुआ है ना, बोला गया है कि लॉकडाउन में किसी को घर से नहीं निकलना है, तो आप कहाँ निकल गए? निकल गए मैंने मोटा मोटी 2 दिन तक खाना ना पाए। तो देखा आपने, ये लोग बता रहे हैं कि इन्हें खाना का भी खाना पर आफत हो गया था, खाना नहीं मिल पा रहा था शेखपुरा में और मजदूरी का काम ये करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वहाँ पर फंसे हुए थे और आज सुबह में 3 बजे साइकिल से ये लोग निकले हैं और पाकुड़ के लिए निकले हैं। पाकुड़ आपको बता दें कि पाकुड़ शेखपुरा से लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 250 किलोमीटर ज़रूर होगा और वहाँ इनको जाना है। अभी यहाँ पर इनको प्रशासन ने रोका है, इनका जाँच यहाँ पर होना है, उसके बाद इनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा या राहत शिविर में भेजा जाएगा इनके जांच होने के बाद। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं जो आए हुए हैं वहाँ से। रामकृष्ण माल। हाँ, रामकृष्ण माल। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से, तो कहाँ शेखपुरा से चल दिए?
शेखपुरा में तो केस निकल गया है ना, तो आपको वहाँ से तो फिर बाहर वहाँ नहीं जाना था, लॉकडाउन है, तो अभी कहाँ जाना है आपको? पाकुड़ जाना है। पाकुड़ जाना है, तो यहाँ पर कैसे रुक गए आप? पुलिस का इसलिए रोका गया है, सुरक्षा कर्मी लोग रोके हैं, तो क्या बोला गया है आपको? क्या हुआ, क्या बोला गया है, क्या बोल के रोके हैं? बोले रुको, चेकअप होगा, उसके बाद चेकअप होगा, चेकअप होगा और जांच होगा। शेखपुरा से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? जाएगा पाकुड़ जाएगा। पाकुड़ जाइएगा, तो कैसे जाइएगा आप? तो लॉकडाउन है, पूरा सीमा सील है, चारों बगल तो कोरोना फैल रहा है, तो उसको रोकना चाहिए ना। तो आप लोग तो निकल गए हैं, तो कहते हो रोक लेगा ना रास्ता में? हम जब मारे कितने बंद हो गए, हमने जानता है, हमने नहीं आता तो सब तो जानता है कि सब खाना कब से नहीं मिल रहा है, एक महीने का खाना नहीं मिला। यहाँ कुछ आप लोग कैसे जिंदा हैं आप? तो एक एक टाइम तो खाते होंगे ना, एक दो टाइम कैसे खाना कैसे खा रहे हैं? दीदा है पास का घर में है। तो वहाँ पर शेखपुरा में आप पदाधिकारी डीएम से बात नहीं करवाए, डीएम के पास नहीं गए? नहीं। तो देखा आपने व्यवस्था का आलम, आप देख सकते हैं शेखपुरा में केस निकल चुका है। कल जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आया है, उसमें शेखपुरा से का कोरोना में पॉजिटिव केस वहां पर पाया गया है, और शेखपुरा से ही ये लोग निकले हैं और पाकुड़ के लिए निकले हैं, झारखंड के पाकुड़ में, बंगाल की सीमा पर पड़ता है पाकुड़, वहां इनको जाना है। 300 का सफ़र है, 300 किलोमीटर का। अभी यहां पर इनको रोका गया है, जाँच के लिए रोका गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं SI हैं, नाम है विंध्याचल सिंह, और इन्होंने जब देखा इन मजदूरों को तो यहाँ पर रोका है इन्हें, और इन्हें नाश्ता दिया है, बिस्किट पानी वगैरह इनको दी जा रही है इनके द्वारा। और इनके बारे में बता दें कि ये अभी लगातार कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या सैनिटाइजिंग का मामला हो, ये लोगों को बैंक के आसपास में इनकी ड्यूटी है, और यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित करके वो रख रहे हैं, और बार बार ये चीज़ को जरूर ख्याल रख रहे हैं कि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे यहाँ पर। और आइए हम बात करते हैं इनसे, क्या इन मजदूरों को कैसे नज़र इनकी पड़ी और कैसे रोका इन्होंने। कैसे सर, क्या ये लोग रास्ते पकड़ के, रोड पकड़ के श्रीमान आ रहे थे जी, तो हम देखा कि भाई ये लोग तो बाहर से आ रहे हैं, साइकिल पर सवार थे ये लोग। हम इन लोगों को रोका, भाई कहाँ से आप आ रहे थे? ये लोग बोला कि शेखपुरा से मैं आ रहा हूँ। और कहाँ जाएंगे आप लोग? तो ये बोला कि मैं पाकुड़ जाऊँगा। हम कि भाई आप शेखपुरा से आए, कोई रोका नहीं आपको? तो नहीं सर, कहीं नहीं, कोई रोका नहीं। हम कहने कि आप लोग रुकिए, हम आप लोग भूखे होंगे, खाना वाना देते हैं। तो खाना में तो मेरे पास तो कुछ अभी मिल भी नहीं रहा, तो बिस्कुट मैं मंगा करके इन लोगों को दिया, और पानी की व्यवस्था है मेरे पास, तो इन लोगों को पानी पिला दूँगा, यही मेरा काम है, और क्या करें हम। अच्छा, तो ये अभी इनको रोकने के बाद आपने खबर तो की होगी, तो सर, कितना देर से इनको रोके हैं? और बता देता हूँ सर, 10:42 में इनको रोका, और 43 में CS साहब को फ़ोन किया कि सर केवल आकर के कोई डॉक्टर साहब को भेज देंगे या स्टाफ लोग को आकर जांच कर लेंगे, इन लोगों के अगर माने हिट में नहीं होंगे तो ये लोग अपने चले जाएंगे, जहाँ जाना होगा हम यदि कर देंगे ना, तो जो व्यवस्था होगी सरकार की करेगी सर। तो अब तक कोई शुरू जांच कर्मी कोई पहुँचे हैं या नहीं? नहीं, अभी तक तो कितना समय हो रहा सर, 12:47 होगा, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कितने बजे ये लोग आए थे यहाँ पर? 10:42 में आए हैं, 10:42 दो घंटे हो गए, दो घंटा माने 5 मिनट हो गया, दो घंटा से ऊपर हो गया। तो देखा आपने, ये बता रहे थे कि दो घंटे से ऊपर इन्हें रोके हो गया है, और अब तक सूचना देने के बाद भी ना कोई जांच की टीम यहाँ पर आई है। अब आपको ये बता दें कि बड़ा गंभीर बात है कि सूचना देने के बाद भी स्थिति लोग कितने गंभीर हैं इसको लेकर देखा जा सकता है कि सूचना दिए दो घंटे हो गए हैं, अभी तक ना इनका जांच हुआ है। एक सवाल और उठ रहा है कि जमुई शहर का ये बीचों बीच इलाका है, जमुई ज़िला का ये सेंटर पड़ता है, जमुई टाउन, और शेखपुरा से बीच में बहुत से चेक पोस्ट पर बताए जा रहे हैं, बैरियर बताए जा रहे हैं, तो आखिरकार साइकिल से ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए और बिना रोके, ये भी जांच का विषय है। इसे ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, जांच किस तरह से हो रहा है, कैसे लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके अपने जिलों को। अब आपको यह भी बता दें कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं वायरस से, और यही ज़िला एक बचा हुआ है जहाँ की वायरस नहीं है। अगर स्थिति ये रही तो वायरस
जमुई में भी आने में समय नहीं लगेगा।